नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित सिंह रावत और उत्तराखंड के भूगोल की जो महत्वपूर्ण सीरीज है, जहां पे हम उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यह इसकी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने दोस्तों यमुना नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस क्लास में हम भागीरथी नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की है दोस्तों कि उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी तंत्र है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, चाहे उस रास्ते पर आने वाली यानी भागीरथी नदी तंत्र में जो आने वाले जो प्रमुख स्थान है या छोटी मोटी जो भी परियोजना है, वे हम सभी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करें। तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आप सभी के लिए उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम आपके लिए जो क्वालिटी कंटेंट है वो हम आपके लिए यहाँ पे लाएं। तो डिस्कस करेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं जो भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, एक बार यूकेएसएससी ने एक प्रश्न ऐसा पूछा था कि भागीरथी नदी का उद्गम होता है और ऑप्शन में गंगोत्री भी था, गोमुख भी था। शायद कुछ स्टूडेंट नए हो, उन्हें ना पता हो, जो मैक्सिमम अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट से गंगोत्री इसका आंसर करता तो गलत होता, क्योंकि भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वो गोमुख से होता है, गंगोत्री से नहीं। तो इस बात पर भी ध्यान रखना, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, वह गोमुख से होता है। अब जो यह नदी है, जो भागीरथी नदी है, इस रास्ते में कुछ महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं और वह स्थान है, जैसे हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक है गंगोत्री, सबसे प्रसिद्ध धाम है गंगोत्री धाम, आप सभी जानते हैं 3048 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर पांडव गुफा भी है और पांडव गुफा से थोड़ा अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भैरव घाटी और भैरव घाटी से ही थोड़ा नीचे वहां पे लंका नामक स्थान भी है। लंका से थोड़ा और नीचे आने पर एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा मुखवा। यहाँ दोस्तों मुखवा वही स्थान है जहां पे माँ गंगा की जो शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा और नीचे आओगे तो वहां पे आपको एक धरली स्थान मिलेगा, यह भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा हरसिल हो गया, हरसिल के बाद झाला हो गया और झाला के बाद गंगोरी, ध्यान रखना है। तो यह जो प्रसिद्ध स्थान है यह उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह जो सभी स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि पांडव गुफा कहाँ है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है और भैरव घाटी के सामने यानी गंगोत्री के पास ही पांडव गुफा भी स्थित है, बहुत प्राचीन गुफा भी है, तो गुफा के क्षेत्र में भी यहां से पूछा जा सकता है। अब भागीरथी नदी तंत्र पे मिलने वाली जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो वह भोजघाट नदी। भागीरथी नदी में मिलने वाली जो सबसे पहली नदी है वह भोजघाट नदी। भोजघाट नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है भृगु सरोवर से या भिभ्रु सरोवर से या भृगु पर्वत से, और यहीं पे जहां पे यह मिलती है गोमुख के पास ही मिलती है, और यहीं पे आपको भोजवासा और चिरवासा ये दो प्रसिद्ध स्थान भी मिलते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे मिलता आपको रुद्रगेरा हिमनद, और रुद्रगेरा हिमनद से रुद्रगंगा नामक एक प्रसिद्ध नदी मिलती है, तो यह भी गोमुख के पास ही स्थित है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऑप्शंस में यह दोनों आए कि भोजघाट और रुद्रगंगा, तो पहला ऑप्शन भोजघाट का होगा जो भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी है। अगर भोजघाट ऑप्शंस में नहीं आए तो उस स्थिति में रुद्रगंगा भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब हम दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा केदारताल, और केदारताल से एक प्रमुख नदी निकलती है और उस नदी का नाम है केदार गंगा, और केदार गंगा भागीरथी नदी में गंगोत्री नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। यह वही स्थान है जहां पर मां गंगा का धाम है, और गंगोत्री धाम से दोस्तों आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वह गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था और 1807 में इसका निर्माण कराया गया था। फिर बाद में इसका पुनरुद्धार जो माधो सिंह है उन्होंने 1935 में कराया था। इसके अलावा अगर यहां पर इसकी हाइट पूछी जाए कि यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है 3048 यानी 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम है, तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको एक दर्रा मिलता है और उस दर्रे का नाम है थांगला दर्रा,
और थांगला दर्रा से एक बहुत प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम है जाड़गंगा। इसे ही हम जाह्नवी नदी के नाम से भी जानते हैं और यह लंका या भैरव घाटी नामक स्थान पर अपना भागीरथी से संगम बनाती है। दोस्तों इस बात पर भी आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर आपको यह भैरव घाटी मिले और कहीं पर लंका मिले, ये दोनों स्थान एकदम सामने हैं और इन दोनों के बीच में ही कहीं पर यह जो जाह्नवी नदी है या जाड़गंगा नदी है अपना संगम भागीरथी नदी से बनाती है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, जब हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं तो एक और नदी मिलती है हरिगंगा और वह मुखवा नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अपना संगम बनाती है। इसके अलावा और भी आगे जाएं तो एक बहुत प्रसिद्ध नदी है और उन नदी का नाम है जालंधरी नदी और काकोरा गाड़, और यह जो दोनों नदी है या इन्हें गाड़ गधेरे टाइप भी कहें, ये हरसिल नामक स्थान पर अपना संगम भागीरथी नदी से बनाते हैं। यहां से आपने यह ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और आगे आते हो नीचे आओगे तो वहां पे आपको सिया गंगा नामक नदी मिलेगी और ये झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अपना संगम बनाती है। और फिर थोड़ा और नीचे आने पर दोस्तों आपको वहां पर एक डोडी ताल मिलेगा। डोडी ताल बहुत ही प्रसिद्ध ताल है और इस ताल की बात करें तो यहां से यह प्रश्न बनता है कि डोडी ताल कितने कोनों वाला ताल है, तो यह 6 कोनों वाला ताल है और यहां पर मिलने वाली जो प्रसिद्ध ब्राउन ट्राउन प्रजाति की जो मछली है उसके लिए प्रसिद्ध है। और डोडी ताल के पास ही आपको एक काणा नामक ताल भी मिलेगा, तो यह दो ताल उत्तरकाशी में है, यहां पर यह भी ध्यान रख सकते हो। और डोडी ताल से एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम है असी गंगा, कहीं पर आपको इसका नाम असीम गंगा भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, और यह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अपना संगम बना देती है। तो यह तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के प्रमुख सहायक नदियां हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें तो यहां पे आइए आप जाड़गंगा पे जो थांगला दर्रे से निकलने वाली है, तो यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध परियोजना है और इस परियोजना का नाम है किरमोली परियोजना। यहां दोस्तों किरमोली परियोजना की बात करें तो यह भागीरथी नदी की जो सहायक है जाड़गंगा नदी या जाह्नवी नदी उस पर स्थित है और इसकी क्षमता की बात करें तो 140 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगर दूसरी परियोजना की बात करें भागीरथी नदी पर तो आपको मिलेगा हरसिल के आसपास और इस परियोजना का नाम है लोहारी नाग परियोजना। लोहारी नाग परियोजना की बात करें तो इसकी जो क्षमता है लगभग 520 मेगावाट की है। इसके अलावा एक और परियोजना को ध्यान रखनी है और उस परियोजना का नाम है मनेरी भाली परियोजना। दोस्तों मनेरी भाली परियोजना दो फेजों में है, एक मनेरी भाली फेज वन मिलेगी, एक मनेरी भाली फेज टू मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मनेरी भाली जो फेज वन है इसकी क्षमता कितनी है, तो यह 90 मेगावाट की है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और इसी को यहां पर तिलोथ पावर हाउस नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना तिलोथ पावर हाउस अगर आपको पूछा जाए तो यह यहीं पर है मनेरी भाली परियोजना पे। इसके अलावा यहीं पर जो मनेरी भाली जो सेकंड परियोजना है, आसपास ही है दोनों, वहीं पे आपको मिलेगी मनेरी भाली सेकंड परियोजना और इसकी क्षमता की बात करें तो यह 304 मेगावाट की है। तो यह जो प्रसिद्ध परियोजना है भागीरथी नदी पर आपको इतने ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा कुछ और भी ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, जैसे यहां पर एक स्थान देखिए दोस्तों जो यहां पे धरली नामक स्थान है। धरली नामक स्थान पर कल्प केदार नामक एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यह जो कल्प केदार मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माना जाता है कि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कत्यूर शैली में यह मंदिर निर्मित है और धरली गांव के लोगों ने ही इस मंदिर को सर्वप्रथम खोजा था। और यह मंदिर जब खोजा गया था उस समय यह जमीन के अंदर था, तो लोगों ने जो वहां के ग्रामीण लोग थे उन्होंने धीरे धीरे जिज्ञासा वक्त इस मंदिर की खुदाई की और इस मंदिर को जो वर्तमान स्थिति है वहां पे इसे लाए, तो कल्प केदार यानी हो गया। और यहीं पे आपको एक प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा, वह है पोखु देवता मंदिर। और पोखु देवता के अलावा अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे दोस्तों तो वहां पे आपको मिलेगा रिंगाली देवी का मंदिर। तो यह तीन प्रसिद्ध मंदिर आपको भागीरथी नदी के किनारे ही मिलेंगे, पोखु देवता मंदिर, कल्प केदार मंदिर और रिंगाली देवी मंदिर। मुखवक तो आप आसानी से समझते हो, जानते भी हो और गंगोत्री भी आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पास यहाँ पे जो लंका और भैरव घाटी नामक स्थान है, इसी से थोड़ा अगर आप ऊपर जाते हो तो यहां पर आपको एक गर्तांग गली मिलेगी।
बहुत प्रसिद्ध गली है और हाल ही में चर्चा में भी रही। यदि आप उत्तराखंड के करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो आपने इसका नाम हाल ही में एक दो महीने पहले जरूर सुना होगा। गरतांग गली लगभग 1962 के बाद यह गली खोली गई है, बहुत सालों बाद, और काफी तंग गली है। तो गरतांग गली काफी प्रसिद्ध है, उत्तरकाशी में स्थित है और भैरव घाटी या यूं कहें लंका से ऊपर स्थित है और जारगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो भागीरथी नदी तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, चाहे हम महत्वपूर्ण परियोजना की बात करें, भागीरथी नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां होगी या फिर कुछ प्रसिद्ध स्थान होंगे, वे हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो उत्तरकाशी क्षेत्र में है। अब हम जब थोड़ा नीचे आते हैं, जो टिहरी गढ़वाल में जब हम प्रवेश करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि टिहरी गढ़वाल में ये जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पे अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती हो और इसके बाद से यह जो दोनों नदी है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो अब हम थोड़ा भागीरथी नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। और तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी मिलती है, जलकुंड नदी। जलकुंड नदी इसलिए प्रसिद्ध हो जाती है क्योंकि इसके किनारे जो स्थित है वह प्रताप नगर नामक एक प्रसिद्ध स्थान। तो एक प्रश्न बन सकता है कि प्रताप नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जलकुंड नदी के तट पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं भिलकनंदा जो नदी तंत्र है। यहाँ दोस्तों भिलकनंदा नदी तंत्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं वह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और खतलिंग ग्लेशियर से जब भिलंगना जो नदी निकलती है और यह गणेश प्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है और यहीं पर प्रसिद्ध टिहरी डैम भी है। और टिहरी डैम के बारे में तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है वो यह है। जैसे इसे स्वीकृति 1972 में मिली थी योजना आयोग द्वारा, यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 1978 में इसका कार्य शुरू किया गया था, शुरुआती जो इसकी क्षमता थी वह 600 मेगावाट की थी, वर्तमान में 2400 मेगावाट है। टिहरी बांध विरोधी समिति की बात करेंगे तो 1978 में बनाई गई थी और विद्यासागर नोटियाल के निर्देशन में बनाई गई थी। और इस डैम का जो डिजाइन दिया था वह जेम्स ब्रू ने दिया था। इसके बाद इस डैम का संचालन के लिए TSDC नामक एक अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी और इसने इस डैम का जो कार्यभार संभालना था वो फरवरी 1989 से शुरू किया था। तो टिहरी डैम से महत्वपूर्ण बातें यह थी। अब जब हम भागीरथी नदी की बात करते हैं तो इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है, वह है मेदगंगा। ध्यान रखना, मधुगंगा मत करना, यह मेदगंगा है। जब हम भिलंगा नदी की बात करते हैं तो इसकी और भी सहायक नदियां हैं, जैसे एक है महासर ताल। तो महासर ताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम है बालगंगा। इसके अलावा सहस्त्र ताल हो गया, सहस्त्र ताल से भी एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वह है धर्मगंगा। तो धर्मगंगा सहस्त्र ताल से निकलती है और महासर ताल से बालगंगा निकलती है और यह जो दोनों नदी है धर्मगंगा और बालगंगा, ये बूढ़ा केदार नामक स्थान पर अपना एक संगम बनाती है। और फिर आगे चलकर यह जो नदी है बालगंगा नाम से जानी जाती है और भिलंगना और बालगंगा का जो संगम होता है वो घनसाली नामक स्थान पर हो जाता है। इसके अलावा एक ताल और है जिसका नाम है मंसूर ताल और मंसूर ताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है दुग्धगंगा। तो दोस्तों घनसाली से होते हुए जब भिलंगना नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से अपना संगम बना देती है जहां पर टिहरी डैम स्थित है, टिहरी डैम बनाया गया है, बहुत प्रसिद्ध है। और फिर जब वह नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो यहां पर एक प्रसिद्ध स्थान आता है, वह आता है कोटेश्वर। और कोटेश्वर में एक प्रसिद्ध डैम बनाया गया है, कोटेश्वर बांध या कोटेश्वर डैम। और इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो यह था दोस्तों भागीरथी नदी तंत्र। हमने कोशिश की है कि एनिमेशन माध्यम से 100% एक्यूरेट डाटा के साथ आपको यह वीडियो प्रोवाइड करें। फिर भी दोस्तों कई बार कुछ ह्यूमन एरर हो जाती है। वैसे तो हम जो वीडियो बनाने से पहले कम से कम 6 से 7 बार क्रॉस चेक भी करते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन एरर हो भी जाती है। अगर ऐसी एरर होती है तो प्लीज बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, तो हम वहां पे सुधार भी करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय बद्री विशाल।